साथ कांग्रेस जोड़ तोड़ करके कर्नाटक की कुर्सी पर काबिज हो गई है। सत्ता पाने की होड़ में कांग्रेस ने निचले लेवल पर जाकर दाव खेला। कर्नाटक की राजनीति में रोज नए दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। इसी कड़ी में नया बखेड़ा तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के विधायक डीके शिव कुमार ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी द्वारा कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त का जो ऑडियो रिलीज किया है वो फर्जी है। इसी घटना के बाद से कर्नाटक की सियासत नई करवट ले रहा है। इसी मुद्दे पर अंशु सक्सेना ट्वीट कर कहते हैं कि कांग्रेस विधायक शिवराम हेब्बर ने उस ऑडियो टेप को सिरे से नकार दिया है जिसमें उनकी पत्नी और भाजपा नेताओं के बीच बातचीत रिकॉर्ड की है। ये दो दिन पहले की बात है। बताया जा रहा है कि भाजपा के नेताओं ने डीके शिव कुमार की पत्नी को फोन किया था जिसमें उन्होंने उन्हें भाजपा के साथ आने की एवज में पैसा और मंत्री पद का लालच देने की पेशकश की थी और साथ ही ये भी आश्वासन दिया था कि उनके बेटे पर चल रहा खनन से जुड़ा केस भी बंद करा दिया जाएगा। अब कांग्रेस के विधायक खुलकर ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। रामदास शर्मा जी ट्वीट कर फरमाते हैं कि कांग्रेस एमएलए द्वारा इस बात से पर्दा हटाना भी एक राजनीतिक चाल हो सकती है कांग्रेस की, ताकि कांग्रेस एचडी कुमार स्वामी को डरा धमका कर उनके साथ गठबंधन बनाने के लिए उनको रजामंद किया जा सके। शहजाद ट्विटर पर लिखते हैं कि कांग्रेस के एक विधायक के मुताबिक कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट के दौरान सामने आया ऑडियो टेप जिसमें भाजपा द्वारा कांग्रेस के विधायकों की खरीद के बारे में कथित रूप से बातचीत दर्ज कराई गई है वो फर्जी है। लगता है कांग्रेस ने ये ऑडियो किसी मिमिक्री आर्टिस्ट से तैयार करवाई है। सुधीर भग जी लिखते हैं कि कांग्रेस का फेक टेप ये दिखाता है कि ये कांग्रेस से डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की देन है जो गाहे बगाहे खुफिया तरीके से छुप कर काम करता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कई बार ऐसी हरकतों को अंजाम दे चुका है। लता जी ट्वीट करती है कि सत्यमेव जयते जैसे पिद्दी कहता है, अब सुरजेवाला जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और अपने फर्जी टेप के बारे में देश के सामने सफाई पेश करनी चाहिए। जीएम पिल्लई ट्वीट कर लिखते हैं कि बीके हरिप्रसाद और कांग्रेस विधायक की पत्नी कहते हैं कि राहुल गांधी जी टेप में जिस रिश्वत और मंत्री पद के लालच का हवाला दे रहे हैं वो सब फर्जी है। कांग्रेस की पुरानी रिवायत है, अंग्रेजों के समय से भी गांधी परिवार के लोग सत्ता हथियाने के लिए झूठ छल और बल का सहारा लिया करते थे। इसी के चलते गांधी परिवार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किनारा कर दिया था। आज भी गांधी परिवार इसी फॉर्मूले पर कायम है। नमिता भार्गव जी लिखती है कि बीजेपी पर 100 करोड़ रुपए में कांग्रेस के विधायक खरीदने का आरोप लगा है। नमिता भार्गव जी लिखती है कि बीजेपी पर 100 करोड़ रुपए में कांग्रेस के विधायक खरीदने का आरोप लगा है। दूसरे टेप में यही रकम 15 करोड़ बताई जा रही है। इस बात पे ये जाहिर हो जाता है कि ये ऑडियो टेप का शिगुफा फर्जी तौर पर गढ़ा गया है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों मिलकर पिछले एक हफ्ते से कर्नाटक की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ट्रेंडी न्यूज के साथ।